अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ चिकन और आलू की टिक्कियाँ। बड़ी लाइट सी होती हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, आलू लिए हैं मैंने, तकरीबन आधा किलो आलू थे, इनको मैंने सॉफ्ट सा बॉईल कर लिया और छील लिया। उबला हुआ चिकन लेंगे हम एक प्याली, अंडे दो अदद, नमक डेढ़ टी स्पून और काली मिर्च तकरीबन डेढ़ टी स्पून ही है। आप कुटी हुई भी ले सकते हैं, मैंने पीसी हुई लिया पाउडर फॉर्म में। अब मैं एक बाउल ले लूँगी और सबसे पहले इन आलुओं को मैश कर लेंगे। ये बहुत ही आसान है बनानी है और बहुत मज़े की बनती है, कम टाइम में बिल्कुल हल्की फुल्की सी होती हैं ये। इसको अच्छी तरह से हम पीस लेंगे इस तरह से आलुओं को, आप हाथ से भी कर सकते हैं, मैं ये मैशर के साथ कर रही हूँ। बिल्कुल बारीक कर लें ताकि कोई गुठली ना रहे बीच में। चले जी, आलूओं को मैंने पीस लिया इस तरह सारे। अब मैं ग्लव पहन लूँगी हाथ में और थोड़ा हाथ का काम होगा। इसमें चिकन डाल के मिक्स करेंगे, स्पैटले से थोड़ा मुश्किल होगा इसलिए हाथ के साथ होगा काम। अब ये अच्छी तरह से साफ़ कर ले, हाथ के साथ देख लें, अगर कोई गुठली है तो उसे भी पीस लें। अब ये चिकन बॉईल किया हुआ था, मैं ये भी डाल दूँगी और इसके अलावा नमक और काली मिर्च, मिर्चें आप अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर लें, मिक्स कर लें। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये बहुत अच्छी बनती हैं टिक्कियाँ। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अंडे नहीं इसमें डालेंगे, अंडे हम इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छी तरह से मैंने ये सारा मिक्स कर लिया है, अब मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। आप जिस तरह की चाहे बना सकते हैं, मैं इस तरह गोल बनाऊँगी इसकी, इस तरह से। इस तरह से हम सारी टिक्कियाँ इसकी तैयार कर लेंगे। टिक्कियाँ मैंने इस तरह से सारी बना ली हैं। अब जो ये मैं उठाऊँगी,
अंडे हमने लिए हैं, उसको मैं फेंट लूँगी। वन बाय वन लेने हैं आपको, जितना इस्तेमाल करना हो, एक या दो जितना भी चाहिए हो, इस तरह से फेंट लेंगे। और अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। एक पैन ले लिया मैंने और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, हसब ज़रूरत बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 4 टेबल स्पून है। और उसमें इस तरह अंडे में डिप करके हम टिक्कियाँ सारी फ्राई कर लेंगे। इस तरह एक एक टिक्की को लगाएं, अंडा अंडे में डिप करेंगे इस तरह से और ऐसे। बिल्कुल थोड़े ऑयल में ये फ्राई हो जाती हैं। इस तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे। एक तरह से हो गई है, अब इसे पलटा लेंगे। इस तरह से गोल्डन लाइट कलर आ जाएगा। बहुत एहतियात के साथ आपसे साइड चेंज कर दें। बस इस तरह गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे और सारी टिक्कियाँ इसी तरह बनाएंगे। चले जी, ये हो गई हैं, अब मैं इसे निकालूंगी, डिश आउट कर लूँगी। इसी तरह से हम सारी फ्राई कर लेंगे। हमारी बहुत ही आसान और मज़ेदार आलू की टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। रमज़ान में बनाइएगा ज़रूर और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।